आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त खबरों का। रीवा में सतना पुलिस पर हुए हमले का आरोप लगने के बाद आज सैकड़ों ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने एसपी से पुलिस पर हुए हमले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने हमले के आरोप में गांव के सरपंच सहित 40 लोगों के विरुद्ध FIR रजिस्टर्ड की है, जबकि सरपंच पुलिस के साथ उनके सहयोग में थे। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस ने ऐसे लोगों को आरोपी बनाया है जिनका हमले से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। दरअसल मामला रीवा के लौर थाना क्षेत्र सीतापुर गांव का है। आज कांग्रेस नेत्री विद्यावती पटेल के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया है कि 23 जनवरी को सतना की रामनगर पुलिस सीतापुर में लामू उर्फ रफीक साई की तलाश में आई थी। बताया गया कि पुलिस सीतापुर सरपंच के साथ मिलकर आरोपी की तलाश में घूम रही थी, तो वहीं पुलिस की दूसरी टीम के साथ गांव के ही कुछ असामाजिक तत्वों ने मारपीट कर दी, जिससे नाराज पुलिस लामू की जगह असलम को अपने साथ ले जाने लगी। तभी उसकी बहन ने विरोध किया और विवाद के दौरान मारपीट हो गई। इस पूरे मामले में रामनगर पुलिस की शिकायत पर लौर पुलिस ने सरपंच सहित 40 ग्रामीणों को नामजद कर आरोपी बना दिया, जिसे लेकर आज कांग्रेस नेत्री के साथ सैकड़ों ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। बताएं क्या मामला, क्या उनकी शिकायत है, किस तरीके पर? मामला ये है कि 23 तारीख को ये रामनगर पुलिस गई थी सीतापुर कुछ बदमाशों को पकड़ने। वो सीतापुर पहुंची, हम लोगों को बुलाई कि हमारी मदद करो। हम लोग रात भर उनके साथ में तमाम घूमे, बदमाश मिले नहीं। और इसके बाद हम लोगों को लोकेशन दिए कि बदमाश सीधी जिला की तरफ भाग रहे हैं। हम लोग गाड़ी लेके 4-व्हीलर 8-10 लोग तमाम सीधी जिला हर गांव में घूमे, बदमाश नहीं मिले। तब तक हम लोगों को आने में करीबन 1.5 घंटे बज गए वहाँ से। और इधर रामनगर पुलिस के आगे कुछ लड़कों को पकड़ के और ले जा रही थी कि हम सतना ले जाएंगे, वहाँ जांच पड़ताल करके पूछताछ करके छोड़ देंगे। तो वहाँ फिर जो वो लड़कियों के एक उसकी बहन थी, वो बोली कि हमारे भाई की परीक्षा है, हम न ले जाओ आज। इसी में पुलिस वालों ने गाली गलौज किया, वो लड़कियाँ थीं, एक दो लड़कियों को भी गाली दिया। इसी में झड़प हुआ, कुछ 4 से 6 अज्ञात लोग पुलिस वालों के साथ मारपीट कर दिए। अब इसके बाद पुलिस वाले यहाँ लौर थाना में आके हम लोग करीबन 30-40 लोगों के खिलाफ FIR अनायास का कर रहे हैं। पुलिस के साथ मारपीट कौन सही है ये मालूम नहीं है, अज्ञात लोग थे, वहाँ जंगल था, हम लोग तो वहाँ पे थे नहीं। घर पे ही जब मारपीट हुई है? नहीं, घर पे नहीं हुई है, वो जंगल में हुई है। कितने लोगों का FIR दर्ज किया? वो 29 लोगों के नामजद है, बाकी अन्य किए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद शब्बीर अंसारी है, सरपंच। हम लोग चाहते हैं उसकी निष्पक्ष जाँच हो जाए, जाँच में जो दोषी हो उनके ऊपर कार्रवाई हो। सरपंच साहब हैं सीतापुर, सतना पुलिस द्वारा गांव पहुंची थी, रीवा पुलिस को जानकारी दी कि नहीं दी, ये रीवा पुलिस इस काम को देखेगी। हम SP साहब के पास आए हैं कि जो 29 लोगों के ऊपर FIR हुई है लौर थाने में, 39 लोगों के ऊपर, वह जांच कर लें, जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, पूरे गांव के गांव को को FIR में दर्ज न किया जाए। इस संबंध में आदरणीय देवतलाब कांग्रेस की प्रत्याशी पूर्व विधायिका विद्यावती पटेल जी ने भी SP साहब से आग्रह किया है कि इसमें जांच करके निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्या आश्वासन दिया? SP साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, वो विधानसभा अध्यक्ष जी का क्षेत्र है। अब इस समय तो भारतीय जनता पार्टी जो है दबाव, अपराध, अपराधियों को संरक्षण और आम जनमानस के ऊपर FIR का जो उसका खेल चल रहा है, दबाव की राजनीति कर रही है कि हम FIR कर देंगे तो आप हमारी पार्टी में आ जाओ, इस तरह का खेल चल रहा है। आज के समय में पिछड़ा वर्ग भी असुरक्षित है, अल्पसंख्यक भी असुरक्षित महसूस अपने आप को करता है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में।